पौरी क्षेत्र के नयागांव सामुदायिक भवन पर भाजपा किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त मंडल कार्यकारिणी परिचय बैठक की गई, साथ ही दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चीमा पहुंचे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री सोनू विरथरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भाजपा के पितृपुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर दिया गया। कार्यक्रम में किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जहां कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री सोनू विरथरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर विषम परिस्थिति में एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता हमेशा कार्य करता है। यह दल संगठित है और अनुशासनिक रूप से कार्य करता है, हर संभव मदद के लिए अग्रणी रहता है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है और उसकी पहली निशानी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की यह गौरी मंडल की परिचय बैठक है, उसमें मैं और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक इसका नाम दिया दीपावली मिलन कार्यक्रम, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय सोनू विरथरे जी का भी सभी से परिचय हो जाएगा, हमारा भी एक दूसरे से आपस में परिचय हो जाएगा। परिचय की यही परंपरा हमें एक दूसरे से परिचय की यही परंपरा हमें नीचे तक बूथ तक बूथ स्तर तक मजबूत बनाती है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मोर्चा हो बसते किसान मोर्चा, किसान इस देश में बहुतायत मात्रा में है और अगर किसान संगठित हो गए, किसान मोर्चा संगठित हो गया तो किसी भी काम को अंजाम दिया जा सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः किसान मोर्चे के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हृदय से दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। बहुत सारे लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पहले पार्टी का काम प्रारंभ किया और आज भी वो पार्टी का काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनसे अपने पार्टी का काम करना सीखा है। ऐसे वास्तव में मेरे सामने विराजमान बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आज पार्टी की व्यवस्था के कारण, स्थान के कमी के कारण हो सकता है मंच पर उनका स्थान ना हो, लेकिन एक दो बार निकले हैं, पहले आए हैं यहाँ पे, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे वरिष्ठ जनों ने ऐसे हमें मंडल अध्यक्ष दिए जो कि ऐसे सफल संचालन करने में सक्षम है, और हमारे बीच में और भी बहुत से श्रोता हैं, आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।